ये यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था बिल्कुल ही जैसे उस साइड बना हुआ है वैसे ही इधर के साइड देखिए ये बन रहा है, जबरदस्त खोद दिया गया है एकदम सेल्फी पॉइंट के ठीक सामने ही। देखिए पहले जो है ऐसे जाली लगा हुआ करती थी यहाँ पे, अब जो है देखिए इसको अपग्रेड करके ऐसी वॉल बनाई जा रही है, बहुत ही मजबूत वॉल है, काफी नीचे अच्छा। देखिए दोस्तों अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे राम की पैड़ी पे आपने अगर पानी देखा होगा तो यहीं से देखिए ये खींचा जाता है, यहाँ से पानी आता है इधर और ये पंप देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे भी तैयार हो रहा है जैसा आपने उधर के साइड देखा राम की पैड़ी की ओर, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे तैयार हो रहा है। देखिए इधर भी जो है वर्क चल रहा है लक्ष्मण किला को अच्छा बनाने के लिए। अब इधर से देखिए ये व्यू तो यार क्या गजब का मस्त लग रहा है भाई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से मैं इस नए वीडियो में। तो आज हम आ पहुँचे हैं अयोध्या राम की पैड़ी पे जहाँ पे दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था, जो कि ये जगह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हो रहे थे तो इन्हीं के बारे में हम आपको दिखाएंगे, दिखाते हैं आपको अगल बगल चीज़ें क्या चीज़ अभी कैसे है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरी राम की पैड़ी जो कि काफ़ी उधर से स्टार्ट होती है और इधर से होते हुए जाके चौधरी चरण सिंह घाट के पास मतलब उधर जाके इसका एंड होता है और यहाँ पे ये धर्मपथ मार्ग, वो सामने आपको सूर्य स्तंभ दिख रहा होगा और यहाँ से ये एंट्री है और यहाँ पे सरयू नदी की जलधारा देख सकते हैं, ये जो है पंप के द्वारा जल को खींचा जाता है तब इधर से आता है जिससे कि जो है श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। और आज जो है दोस्तों 9 मार्च है और शनिवार का दिन है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की और यहाँ पे देख सकते हैं ये राम की पैड़ी। और काम की बात करते हैं तो उस वाले पॉइंट पे यहाँ से वो देख सकते हैं वहाँ पे वो सारे सब नए निर्माण कार्य हैं, कुछ आगे भी मतलब किए गए हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आपको दिखाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। देखिए एक छोटा सा गेट खुला है उधर से, इधर श्रद्धालु अंदर के साइड आए हैं। अब देखिए छोटे छोटे जो दुकानदार हैं यहाँ सब लगाए हुए हैं, जब प्रशासन एक्टिव होता है तो एक भी दुकानदार नहीं दिखेगा। अब इधर ये काफ़ी टाइम पहले से ये प्रस्तावित था जो कि इधर ये सीढ़ी जैसा बनने के लिए, देखिए पहले जो था बिल्कुल इस तरीके से था जैसे इधर ये पत्थर रखा हुआ है और अब जो है लेटेस्ट में देखिए कुछ ऐसा बन चुका है, अब पत्थर लगाने का काम चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए जैसे उस साइड के वो पूरा बना हुआ है बिल्कुल सेम ऐसे इधर ही के साइड ये बनेगा क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं। देखिए इन सब पे जो है ये पत्थर लगे हुए हैं कुछ ऐसा। अब देखिए वायरिंग की जा रही है जो कि बीच बीच में जो है छोटी छोटी लाइटें मतलब जलेंगी जैसा कि अब इस समय हर कुंड पे मतलब किया जा रहा है। अब देखिए ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ पूरा लाइन से जो है ऐसे कंप्लीट बनता हुआ जा रहा है। अभी ये बगल में रोड है जिससे कि आप सरयू पुल पे जा सकते हैं। अब जो है जब भव्य आयोजन इस बार होगा दीपोत्सव का तो इस पे जो है दिए जलाए जाएंगे। देखिए कितना अच्छा ये पेड़ों के साइड साइड में घेरा गया है। अब यहाँ से राम की पैड़ी का भी खूबसूरत दृश्य देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए कुछ कुछ जो है आगे किया गया कि ये चीज कैसे बनेगा, वहाँ पे शटरिंग वगैरह की गई है। देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, अगर भविष्य में वो वाली रोड अगर चौड़ी होगी तो पेड़ हो सकता है ये सब भी कट जाए, बट उम्मीद नहीं लग रही है कि कटेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर है। और सरयू पुल के ठीक बगल में दोस्तों एक पुल जो है और बनने वाला है, अब वो देखिए कब बनता है।
देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था, बिल्कुल ही जैसे उस साइड बना हुआ है वैसे ही इधर के साइड देखिए ये बन रहा है कुछ इस तरीके का। यहाँ से जाके बीच में ऐसे खड़े हो सकते हैं श्रद्धालु जो भी यहाँ टहलने घूमने आए। और नीचे देखिए कुछ ऐसा ये है, काफ़ी अच्छा सा। अब बीच में ये थोड़ा सा खाली है, यहाँ पे क्या बनेगा यार, अब हो सकता है यहाँ पे ऐसे किया जाए। देखिए वो तो बाद में जैसा होगा आपके सामने ही वो निकलेगा, तो बट आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा मतलब ये रहेगा पूरा का पूरा जो वहाँ से ये ऐसे बनाया गया है। अब पतली पतली मतलब सीढ़ियाँ भी बनाई जाएंगी जैसा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, ताकि आदमी चढ़ सके, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा दो दो फीट हाइट पे पैर कैसे उठा पाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये पूरा का पूरा वहाँ देख सकते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा सा द्वार खोला जाए ताकि नीचे आ सके श्रद्धालु, उधर भी खोला जाए। अब देखिए यहीं तक जो है ये हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वर्क हो रहा है, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा हुआ है। आइए चलें उस पार। देखिए दोनों ही साइड बन जाएगा यार, मतलब इस साइड बन जाएगा तो दोनों ही साइड देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। गजब गजब पड़े हैं, अगर इसको जब बनाएं यार तो इस बोर्ड को हटा देना चाहिए। तो बताइए बोर्ड को हटाएं, इसी में ही मतलब बना दिए, फिक्स कर दिए उसको, ये बोर्ड लगा हुआ है, हटा के तो साइड में कर देना चाहिए था। आप देखिए अगर मेन रोड से आएंगे तो इधर की साइड होती, अब इधर की साइड आपको दिखाते हैं। देखिए इधर के भी जो है कंक्रीट का पूरा जो है मसाला वगैरह डाला गया है, और पेड़ों के साइड में देख सकते हैं कैसे ईंट से ये घेरा गया है, तो कंप्लीट इधर भी ये पूरा बनते हैं वहां तक जाएगा। अब देखिए ऐसा ही वो बोर्ड वहां पे लगा था और इसी के बीच में पूरा का पूरा एकदम उठा दिए, जो भी दीवार वगैरह ईंट से उठानी थी। इधर का भी आप थोड़ा सा दृश्य देख लीजिए, कुछ जो है निर्माण कर दोस्तों उधर के साइड भी हो रहे हैं, अभी हम चलते हैं वो भी दिखाएंगे आपको, और ये भी दिखाएंगे कैसे मतलब मेन सरयू नदी से पानी खींच के पंप द्वारा इधर के साइड आता है। ये देखिए पूरा जो है कंप्लीट ऐसे कंक्रीट मसाला डाला गया है यहाँ तक। अब इस जहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट लगा है यहाँ पे भी देख सकते हैं मिट्टियों का जो है ढेर ला के डाला गया है। अब देखिए ये दूसरा है, डायरेक्ट अगर आप ऊपर से आएंगे तो इधर से उतर सकते हैं, बस गाड़ी से नहीं पैदल। ये देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, बट ये जो मिट्टी का ढेर है वो थोड़ा सा अड़चन कर रहा है। आप वो सामने देख सकते हैं सरयू पुल। अब देखिए जो है सीढ़ियों का निर्माण जो है वहां तक किया जाए, हो सकता है यहाँ तक भी लाके किया जा सकता है। अबे भाई यहाँ क्या चीज करने वाला है यार, ये तो पूरा एकदम जबरदस्त खोद दिया गया है, एकदम सेल्फी पॉइंट के ठीक सामने ही। ये देखिए क्या चीज करने वाले हैं यार लोग,
देखो भैया गिरना उड़ना मत। इधर भी क्या करने वाले हैं यार, कुछ अलग ही बनने वाला है क्या यहाँ पे। अब ये कह सकते हैं बिल्कुल मिडिल पॉइंट जहाँ पे वीवीआईपीज बैठते हैं, दीपोत्सव का आनंद लेते हैं। अब वहाँ पे भी देखिए कुछ आप देख सकते हैं उस पॉइंट पे, वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है कुछ जेसीबी से आप देख सकते हैं वहाँ पे उस पॉइंट पे। तो बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है कोई ना कोई वहाँ की अपडेट आपको देगा ज़रूर। आइए चलें निकलते हैं उधर। आप देखिए दोस्तों आ गए हम इधर मेन सरयू नदी की ओर, इधर की साइड देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़, बढ़िया लग रहा है एक ही गेटअप में हैं लोग। देखिए सामने कितना प्यारा लग रहा है सरयू नदी, बट काफी ज्यादा मतलब जलस्तर कम हो चुका है। अब वो वाला पॉइंट जो बनाया गया है वहाँ पे वीआईपी के लिए मतलब फोटो के लिए, और इधर आम पब्लिक के लिए फ्लोटिंग वाला है, तो उस पर तो जाने नहीं देते उधर वाले पे, इधर वाले पे जाने देते हैं। बट अभी मौके पे आगे का फ्लोटिंग निकाले हुए हैं, नहीं निकालते तो आए दिन जो है लोग डूबते ही नज़र आते, तो इस वजह से उसको हटा दिया गया है। आइए दिखाते हैं आगे कुछ निर्माण कार्य आपको। देखिए पहले जो है ऐसे जाली लगा हुआ करती थी यहाँ पे, अब जो है देखिए इसको अपग्रेड करके ऐसी वॉल बनाई जा रही है, बहुत ही मजबूत वॉल है, काफ़ी नीचे अच्छा खासा, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो काफ़ी अच्छा इसका काफ़ी नीचे से फाउंडेशन वगैरह तैयार करके फिर ऊपर लाया गया है, तो काफ़ी मजबूत। अब इस पॉइंट पे देखिए हो सकता है डिज़ाइन काफ़ी अच्छी वॉल की बनेगी, क्योंकि इस बीच में ऐसे छोड़ा गया है। अब देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट अपडेट में आपको पता चलेगा। देखिए पूरी पूरी वॉल बनाई गई वहाँ तक। अब देखिए यहाँ से भी कुछ निर्माण कार्य घाट पे भी हुए हैं, उसको आपको दिखाते हैं। देखिए इधर सब जो है अभी हो ही रहा है वॉल का काम। देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे भी तैयार हो रहा है, जैसा आपने उधर के साइड देखा राम की पैड़ी की ओर, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, राउंड टाइप बनाते हैं कि कैसा बनाते हैं, आइए देखते हैं और आगे चलते हैं। वहाँ पे भी देखिए स्टार्ट है काम। देखिए दोस्तों अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पे राम की पैड़ी पे आपने अगर पानी देखा होगा तो यहीं से देखिए ये खींचा जाता है, यहाँ से पानी आता है इधर, और ये पंप लगा हुआ है इसके अंदर बड़े बड़े, जो कि पानी को खींचता है फिर जाते हुए उधर से, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। और देखिए को है कुछ ऐसा यहाँ पे, ये दूसरा बना हुआ है और ऐसा एक आगे तीसरा, फिर चौथा आगे, कई सारे ऐसे बने हुए हैं। और रुके आपको दिखाते हैं इधर कैसे पंप के द्वारा पानी खींचा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा तो कुछ इस तरीके से जो है राम के पैड़ी में यहाँ से जल को खींच के फिर उधर के साइड भेजा जाता है। आइए थोड़ा चले आगे। तो दोस्तों हम जो है लक्ष्मण घाट पे आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी ये तीसरा पॉइंट है, अगर उधर से देखेंगे आप तो ये तीसरा है, ये वहाँ चौथा पांचवा, पांच पॉइंट मतलब ऐसा बनाया जा रहा है। और अगर आप गुप्तार घाट के साइड से आएंगे तो पीछे से भी आप आ सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो उसकी कई बार डाली हुई है। तो ऐसा कुछ निर्माण कार्य इस पॉइंट पे यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि घाटों को काफ़ी अच्छा मतलब 6 महीने के अंदर में, 8 महीने के अंदर में काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे लगे हैं जितने भी अयोध्या के घाट हैं। देख सकते हैं वहाँ सब कैसे सरिये का जाल बांधा हुआ है पूरे के पूरे, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है उस पॉइंट वहाँ पे। अब देखिए दोस्तों हम जो है लक्ष्मण किला के ठीक सामने खड़े हुए हैं, यहाँ सब की स्थिति देख सकते हैं, जितने भी पत्थर हैं उनको सब मतलब उखाड़ दिया गया है नए पत्थर नए तरीके से लगाने के लिए, देख सकते हैं इधर सब अब इसलिए उखाड़ा गया, हो सकता है इस पॉइंट पे भी ऐसे बने जैसा कि वो वहाँ पे बना हुआ है। और इधर सभी पत्थर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे नीचे के साइड पड़े हुए हैं, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है जिससे कि पूरा एकदम जो रेत है वो उड़ रही है।
आप देखिए दोस्तों इधर आ गए हम, ठीक है, लक्ष्मण किला के थोड़ा सा आगे। देखिए कितने ऊंचाई ऊंचाई पे मतलब ये बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब जैसा कि कहा जाता था कि अयोध्या काफी ऊंचाई पे बसती थी, तो ये सही बात है। काफी ऊंचाई पे मतलब ऊंचे ऊंचे टीले आपको अगर इधर से जाएंगे तो देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा। मतलब वहां से भी मुझे दिख रहे हैं कि बिल्कुल जैसा कि आप उनको पीछे हमने दिखाया बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी कई सारे मतलब बनाए जा रहे हैं। इधर से होते हुए जाएंगे तो आप गुप्तारघाट पहुंच जाएंगे बिल्कुल ही बिना किसी जाम से, आपको एकदम जाम नहीं मिलेगा, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आइए चले लक्ष्मण किला के ऊपर से थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाते हैं। आइए दोस्तों चलें ऊपर से आपको दिखाते हैं, आज मैं भी इस पे पहली बार जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों आ गए ऊपर, इसका भी जो है रीडेवलप्ड का कार चल रहा है थोड़ा सा। ये देखिए अंदर का सीन आपको यहाँ से दिखाते हैं। आइए अभी तो दिखाते हैं, मतलब जितना है हर चीज़ों पे मतलब ध्यान दिया जा रहा है रीडेवलप का। देखिए पूरा का पूरा दूर देख सकते हैं, चौथरफा ये बन रहा है। देखिए कितने अच्छे अच्छे पत्थर लग रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से दिखाते हैं आपको। अब देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, एक नंबर का। अगर यहाँ सब रेस्टोरेंट वगैरह रहे तो अलग ही व्यू आएगा। आइए उधर के साइड थोड़ा सा चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए इधर भी जो है वर्क चल रहा है लक्ष्मण किला को अच्छा बनाने के लिए। अब इधर से देखिए ये व्यू तो यार क्या गजब का मस्त लग रहा है भाई, एकदम मज़ा आ जा रहा है देख के यार, रियल में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर, अगर आप कभी अयोध्या घूमने आए तो यहाँ पे ज़रूर आके थोड़ा देर बैठिएगा शाम के टाइम या सुबह के टाइम में, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलिए दोस्तों चलते हैं अब लक्ष्मण किला से राम की पैड़ी की ओर। जैसा कि हमने आपको इधर की सारी चीज़ें दिखाई किस प्रकार से अभी रिडेवलप्ड हो रही हैं सारी चीज़ें, तो चलिए चलते हैं राम की पैड़ी की ओर। और यहाँ से आपने देखा ये कितना खूबसूरत दृश्य मतलब पीछे का आपको देखने में लग रहा था। अगर आप कभी आइएगा तो ज़रूर इस जगह पे बैठिएगा, थोड़ा सा आपको बहुत ही अच्छा ज़्यादा अच्छा लगेगा सुबह में शाम में। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं फिर से राम की पैड़ी की ओर, और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगा, अक्सर आप देखे होंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी वगैरह लगी हुई है, इसका कुछ जीर्णोद्धार हो रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, इधर से चलते हैं घूमते हुए। आइए दोस्तों आप चलते हैं आपको दिखाते हैं, देखिए राम की पैड़ी के इस साइड की ओर का चीज़, आप देखिए कितने ऐसे ढला ऊंचाई पे है। अभी चलते हैं ठीक जहाँ पे वो वर्क हो रहा था उसको आपको दिखाते हैं। अरे यार काफ़ी ज़्यादा चाहन पे यार देखिए दोस्तों आ गए ऊपर, आप देखिए क्या खतरनाक देखने में लग रहा है यार, वहाँ दूर देख सकते हैं सामने राम की पैड़ी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे खतरनाक तरीके से ये वर्क, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके नीचे चंद्रहरी कुंड हुआ करता था ऐसा कुछ है, मतलब मुझे डिटेल में नहीं पता पर थोड़ी बहुत जानकारी है ऐसा कुछ। तो मुझे लगा आपको ये चीज़ थोड़ा सा दिखाना चाहिए वीडियो में। आइए निकलते हैं इधर से, ये है कुछ दोस्तों राम के पैड़ी के ठीक पीछे का दृश्य, जो कि ये वाली ईंट आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने पुराने टाइम में जो निर्माण हुआ करते थे ऐसी ही ईंटों के द्वारा मतलब बनते थे भवन। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे फिर चलेंगे हम राम की पैड़ी की ओर, आपको वहाँ पे दिखाएंगे नागेश्वरनाथ मंदिर की ओर, वहाँ पे जो थोड़ा सा अपडेट हो रहा था उस चीज़ को। अबे गजब ढलान है यार, अब यहाँ से हम घूमेंगे लेफ्ट साइड की ओर।
आप देखिए सामने ये वाली फ्रेम आपको दिख रही है, बस इसके उधर एकदम वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। देखिए आ गए हम राम की पैड़ी की ओर। आइए चले नागेश्वरनाथ मंदिर के पास, जो वो पत्थर पे डिजाइन बनाई जा रही थी, देखते हैं वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, फिर वीडियो को भी एंड करते हैं अपने। तो दोस्तों आ गए हम नागेश्वरनाथ मंदिर के पास और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये डिजाइन बनाई जा रही थी ये कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल ही ठीक सामने। और ये श्री नागेश्वरनाथ मंदिर का द्वार। देखिए ऐसा कुछ वर्क हुआ है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए, आइए उस साइड की ओर देखते हैं। इस साइड की ओर भी दोस्तों कुछ दर्शाया गया बट यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों ही साइड बन के कम्प्लीट है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए ये रोड भी बनाई गई है सीमेंटेड, पहले ऐसा नहीं था, पहले काफ़ी ज़्यादा खड्डे हुआ करते थे जो कि अब बिल्कुल सही कर दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों भीड़ भी श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा है। और देखिए कितने अच्छे डिज़ाइन में ये स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है, देखिए बिल्कुल त्रिशूल बना हुआ है, डमरू बना हुआ है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रही है। कई सारी ऐसे लाइन से लगी हुई है, मतलब अयोध्या की कह सकते हैं हर जितने भी छोटे पर बड़े रास्ते हैं सब पे मतलब अच्छे अच्छी स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया किस प्रकार से उस साइड की ओर ये पूरे के पूरे जो है वो सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, उधर निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसा बिल्कुल इधर ये बना हुआ है वैसा उधर के साइड भी वो बनाया जा रहा है। उधर के साइड भी हमने मेन घाट की ओर भी हमने आपको दिखाया, तो हमने कई सारी आपको अपडेट दी। अगर आप अयोध्या की ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही अयोध्या के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।